जिसकी माटी में बसी है जान अपनी, तो इसके रंगों से बनी पहचान अपनी तो। भारत माता की जय। तुम्हारा नाम? आजाद। पूरा नाम? चंद्रशेखर आजाद। पिता? स्वाधीन। माता? भारत माता। मेरे किसी भी साथी ने कभी भी किसी स्त्री की ओर गलत नजर उठाई तो वो मेरी पिस्तौल का निशाना बन जाए, यह कहा का न्याय? जो सामने दिखा उसे सूली पर टांग दिया। शहादत कोई मजबूरी नहीं, दिल का सुकून है, भौतिक सुख या आत्मा की शांति, दो में से एक चुन लीजिए। अंग्रेज सिर्फ आतंक फैलाना चाहते हैं, हिंदुस्तानियों को डरा डरा कर राज करना चाहते हैं। तुम खुद को इनसे अलग कर लो। जुबान संभाल कर बात कीजिए। बिस्मिल जी को आपसे ज्यादा मैं जानता हूँ और आपने उन्हें काफिर कहा, इसके लिए मेहरबानी करके आप यहाँ से तशरीफ ले जाएं, वरना मेरे ऊपर दफा 302 का एक और मुकदमा कायम हो जाएगा। हम वो हैं जो समंदर की लहरों का भी रुख मोड़ सकते हैं, फिर ये अदालत के फैसले क्या चीज है। आजाद अक्सर वहाँ भी अपने साथियों से मिलने बेखौफ चले जाते। तूफान है, आजाद है। मुझे पता है उसे फांसी दी जाने वाली है, पर उसकी मां को नहीं मालूम, उसे मालूम होना भी नहीं चाहिए। आए तेरे कूचे में जब राख मेरी उड़कर, एक नन्हे से बच्चे के तू माथे पर लगा देना, एक नया बिस्मिल तू फिर से बना देना। मैं अपने पुत्र के बलिदान पर दुखी नहीं, मैं श्री रामचंद्र जैसा पुत्र चाहती थी, वैसा ही मेरा राम था। मेरा विश्वास है कि मैं मातृभूमि की सेवा के लिए फिर इस देश में जन्म लूंगा। वतन हमारा रहे शाजकाम और आबाद, हमारा क्या है हम रहे रहे ना रहे। जिंदा। दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। बच्चन जी, तुम जीवित रहो तो मेरी जन्मभूमि भावरा जाकर